गढ़वा में दिखा बाघ, ग्रामीणों में दहशत। गढ़वा का वन विभाग अलर्ट। बलरामपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों में कई मवेशियों का बनाया अपना शिकार। गढ़वा जिला से सटे छत्तीसगढ़ के वाडफनगर, रामानुजगंज व बलरामपुर वन परिक्षेत्र के सिंदूर नदी के पास पिछले दिनों बाघ देखे जाने के बाद गढ़वा दक्षिणी वन क्षेत्र में बाघ देखे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। यह बाघ छत्तीसगढ़ के जंगल का बताया जा रहा है। बाघ को कुछ दिन पहले ही बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड के परहिया डी जंगल में देखा गया था। इस दौरान बाघ ने एक बैल पर हमला कर उसे मार डाला था। हालांकि गढ़वा वन क्षेत्र के अधिकारियों ने इस क्षेत्र में बाघ के आने की पुष्टि नहीं की है। इसके बावजूद आशंका के आधार पर लोगों को सतर्क बरतने व सुरक्षा को लेकर जागरूक करने में वन विभाग जुट गया है। गढ़वा दक्षिणी वन क्षेत्र पदाधिकारी शशि कुमार ने बताया कि इसकी जानकारी उन्हें भी मिली है। लोगों को सतर्कता बरतने व बचाव को लेकर जागरूक किया जाएगा। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से निकले बाघ के पिछले एक सप्ताह से गढ़वा के सीमावर्ती क्षेत्र में होने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक बाघ ने छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक मवेशियों को शिकार बना चुका है। उल्लेखनीय है कि गढ़वा का दक्षिणी वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जंगलों क्षेत्रों को छूता है। ऐसे में बाघ के इस क्षेत्र में आने की आशंका को देखते हुए वन विभाग सतर्क हो गया है। गढ़वा दक्षिणी वन क्षेत्र पदाधिकारी शशि कुमार ने बताया कि इसकी जानकारी उन्हें भी मिली है, लेकिन गढ़वा क्षेत्र में बाघ के होने की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद ग्रामीणों को सतर्कता बरतने व बचाव को लेकर जागरूक किया जाएगा। आधार लाए उधार ले जाए मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ, अब आपके शहर गढ़वा में श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस के द्वारा फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर, एसी और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान। हमारा पता है मेन रोड गढ़वा, किलर शोरूम के बगल में,